खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। इस साल 2023 में भगवान शनिदेव और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मित्रों, इस साल 2023 में इतना जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा ना, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कुंभ राशि वालों का संपूर्ण पूरे साल 2023 के राशिफल के बारे में। आखिर जनवरी और फरवरी का महीना निकल चुका है, मार्च के महीने से लेकर पूरा साल 2023 जो है ना वो कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का, पूरी जानकारी अपन जानेंगे। आर्थिक स्थिति कैसी होगी, व्यापार करते हैं तो व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी पोजीशन की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्रसंग कैसे होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, और साथ ही यह भी जानेंगे कि लाल किताब के अनुसार कुंभ राशि वालों को क्या क्या उपाय बताए गए हैं, और राशिफल भी ज्यादातर अपन लाल किताब के अनुसार ही जानने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए, और साथ ही वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सु से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। जैसे कि शारदा, सुरेंद्र, सोमनाथ, श्रेयांश, गोविंद, गंगाराम, यानी अंग्रेजी के अक्षर एस और जी से जिनका नाम शुरू होता है ना, उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी भगवान शनिदेव माने जाते हैं, और आप सभी को पता होगा कि शनिदेव न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार बहुत ही जल्द न्याय के देवता शनिदेव जो फल दे देते हैं। जो व्यक्ति गो माता को हरा चारा खिलाता है या किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाता है, भगवान शनिदेव के साथ ही माता लक्ष्मी की उनके ऊपर विशेष रूप से कृपा होती है। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के पूरे साल भर के राशिफल के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, बाकी कई लोग ऐसे भी होते हैं जो गौ माता को मारकर दूधकार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं कर सकती। दोस्तों, जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो भी नजर आता है, जैसे कचरे के ढेर में प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल दोने, डिस्पोजल, जो भी नजर आता है, ये सभी गौ माता खा लेती है और धीरे धीरे उनके पेट में जमा हो जाता है। और कुछ ही दिन पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे ना, वो कभी भूखी नहीं रहे, हष्ट पुष्ट रहे, और मित्रों, गौ माता हमेशा प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहे, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्रीहरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए, जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, आप QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को एक दिन, दो दिन, पांच दिन का हरा चारा खिला सकता है, और बदले में भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर मिलेगा, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में, फैमिली लाइफ के बारे में, कि आखिर मार्च से उनका समय कैसा होगा। उसके बाद अपन करियर के ऊपर चर्चा करेंगे, नौकरी व्यापार के ऊपर भी करेंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस साल 2023 में मार्च के बाद कुंभ राशि वालों के जीवन में परिवार के साथ ज्यादा समय व्यतीत होगा। उनके साथ आप कहीं पर भी बाहर घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं। साल के बीच में घर के सदस्यों में किसी बात को लेकर कलह भी होगी, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना होगा। मार्च, अप्रैल, मई तीन महीनों का जो समय है ना, वो कुंभ राशि वालों का अच्छा रहेगा, लेकिन जून और जुलाई दो महीने का जो ये समय है ना, ये कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के ऊपर थोड़ा सा भारी रहने वाला है। आपके परिवार में मतभेद हो सकता है, कला वगैरह हो सकता है, और उसके अलावा साल के अंत में परिवार जन जो है ना, वो आपके ऊपर एक बार फिर से विश्वास करेंगे और आपका विश्वास फिर से बढ़ेगा। समाज में प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, सभी के साथ आपके जो संबंध है वो मजबूत बनेंगे। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यदि कोई बीमारी है ना, तो उसका इलाज समय से पहले ही करवा लीजिएगा।
बाकी आपको अपने भाइयों का पूरा सपोर्ट मिलेगा और इस साल के मध्य में या साल के अंत में लगभग दोस्तों आपको अपने पिता का भी सपोर्ट मिलेगा। आपको अपने पिता के सहयोग से धन में भी बढ़ोतरी होगी और परिवार में जो भी आपके कलह वगैरह चल रहे थे, जो मतभेद चल रहे थे, चाहे संपत्ति के लिए हो या कुछ भी हो, तो इस साल 2023 में आप उनका भी निपटारा कर पाओगे और आपके परिवार में एक बार फिर से सुख शांति के जो विषय वस्तु है वो देखने लगेगी। कुल मिलाकर फैमिली लाइफ के लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं अपन कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में कि रुपये पैसे धन संपत्ति के मामले में कैसे क्या रहेगा, काम धंधा या नौकरी वगैरह कैसी होगी, पूरी जानकारी अपन जानेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वही मित्रों जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता, यानी कि मेहनत के अनुसार वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे ज्योतिष आचार्य गुरु जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नौ ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है, क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। आखिर आपका आने वाला समय कैसा होगा, कुंडली के अनुसार क्या दोष आपके चल रहे हैं, कितने राजयोग बनते हैं, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं, विदेश यात्रा के योग कब बनेंगे, कंप्लीट जानकारी आपको कुंडली रिपोर्ट में मिलेगी। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। ऐसे में बिना काम आप फोन करके आपका खुद का और हमारा दोनों का समय खराब मत कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत जगहों पर रिश्ते आते हैं और आप रिश्ते देखने के लिए भी जाते हैं लेकिन किसी के यहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिलता, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार अनबन बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता या संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं ना, तो अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर आप गुरुजी को मैसेज कर सकते हैं और 251 रुपए की दक्षिणा के साथ आप अपने पूरे जीवन के बारे में भविष्य कुंडली रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के करियर के बारे में। दोस्तों साल की शुरुआत में आपको अपने व्यापार में थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में आपके नुकसान की चांसेज रहेंगे और उससे आप परेशान भी हो सके थे। कोई भी पुरानी डील थी वो भी लगभग टूटी हुई होगी, यानी कि डील कैंसिल भी हो सकती थी और खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए थे जनवरी और फरवरी में, लेकिन मार्च के बाद से ही आप उनके ऊपर कुछ हद तक लगाम लगा पाने में सक्षम होगी। जून और जुलाई के महीने में आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा। यदि आपने किसी क्षेत्र में निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं और अपनी नौकरी से खुश नहीं है ना, तो इस साल आपको मनचाही कोई भी नई नौकरी मिल जाएगी, जहां पर भी आपको काम पसंद आएगा उस जगह पर आप सेटिस्फाइड हो पाओगे। ऐसे में उत्तेजित होने से आपको बचना चाहिए और जब तक नई नौकरी आपको नहीं लगे ना, तो पुरानी नौकरी आप 2023 में नहीं छोड़ें, थोड़ी सी सावधानी बनाए रखें। बाकी भगवान शनिदेव और भगवान सूर्यदेव दोनों ही एक साथ एक ही भाव में विद्यमान है, जिसके कारण यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा और लक्की भी हो सकता है। उसके लिए थोड़े से उपायों की भी आवश्यकता है, क्या क्या उपाय करने हैं अपन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे लाल किताब में बताए गए कुछ उपायों के ऊपर भी। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों की शिक्षा के बारे में, जो विद्यार्थी है उनके लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। दोस्तों यदि आप कॉलेज में है ना, तो इस साल आपको पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी और किसी सीनियर के द्वारा आपका मार्ग प्रशस्त होगा, आप अपनी प्रतिभा को पहचान पाएंगे और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपका भविष्य और भी ज्यादा उज्ज्वल बनेगा। साल के अंतिम महीने में कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन आप अपने काम में प्रोत्साहन मिलेगा और आत्मविश्वास के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। विद्यार्थियों के लिए सलाह दी जाती है कि ये साल 2023 अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मेहनत को और भी ज्यादा मन लगा के कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन के बारे में, लव लाइफ के बारे में। दोस्तों अगर आपके विवाह की उम्र हो चुकी है और आपकी कुंभ राशि है ना, तो आपके जीवन में एक नई खुशी आ सकती है। साल 2023 में आपका विवाह का योग बन सकता है, अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम आपका और भी बढ़ेगा और उसके लिए कुछ स्पेशल करने का आप प्रयास करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि सभी आपके जो सगे संबंधी
है ना, वो आपके रिश्ते को देखकर प्रसन्न दिखाई देंगे, आपके मंगल की कामना करेंगे। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आप लॉयल बनकर रहिएगा। और मित्रों, सितंबर अक्टूबर में आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, आप उनको विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं और हो सकता है कि आपका जो प्रपोजल है ना वो दोस्तों मंजूर भी हो जाए। साल का जो मध्य का महीना रहेगा ना, जून और जुलाई का, उसमें आपको अपने साथी के साथ अनबन हो सकती है या किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आप अपने पार्टनर के साथ रिश्तों में कुछ खटास भी उत्पन्न करवा सकते हैं। ऐसे में आपको समझदारी के साथ काम में लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2023 आपके लिए ज्यादा अच्छा भी नहीं है। आपके ऊपर मंगल भारी है, कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी आपको घेरे रखेगी जिसके कारण आप परेशान रहेंगे। और ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि मंगलवार के दिन मंदिर जाने की आप आदत जरूर डालें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय जो है लगभग लगभग एवरेज ही बना रहेगा। चलिए मित्रों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लाल किताब में बताए गए कुछ उपायों के बारे में। दोस्तों, लाल किताब के अनुसार कुंभ राशि वालों को शनिवार के दिन छाया का दान करना चाहिए। उसके अलावा जो समी का वृक्ष होता है ना, उसमें जल अर्पित करें और आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। पानी पीने के लिए चांदी या तांबे के गिलास का प्रयोग करें और साथ ही चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाते रहें, कुत्तों को मीठी रोटी या बिस्किट खिलाएं। इस तरह से आप अगर उपाय करोगे ना लाल किताब में बताए गए, तो साल 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा, उत्तम और शुभ फल की प्राप्ति देने वाला होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय, नमः।